खोड़ो साहब, यह स्टेटमेंट आसिफ अली जरदारी साहब की थोड़ी वजाहत तलब आ, थोड़ो समझाए जो असां के कि अगर इस्लामाबाद बलोचिस्तान के नथो समझे, सिंध के नथो समझे, पंजाब के नथो समझे, केपीके के नथो समझे, पो इस्लामाबाद के समझे केर तो इस्लामाबाद पो आए किथे? ए इस्लामाबाद से मुराद छा कैसी तरफ इशारो हो, इदारन की तरफ इशारो हो, पिंडी की तरफ इशारो हो? खोड़ो साहब, सही पाकिस्तान जो सर्वाइवल अवाम की हुकुमरानी में आई, पाकिस्तान में अवाम की हुकुमरानी से अलग केतरा दफा हमला थे, उन तंजिया तौर से उनको मजाक उड़ाया गया तो पाकिस्तान जो अवाम जो सो वन फैसलों के लायक ना है। ज़ियाउलक भी ये मुशरफ भी ये ज़ियाउलक 77 से वी 85 तीन अवाम के कुछ न समझो, मुशरफ 4 साल अवाम के कुछ न समझो। हाँ जैसे अवाम के कुछ न समझदड़ हुकुमरान होजन तो फीलिंग्स पैदा थी, डिसल्यूजनमेंट जो, डिसोसिएशन जो, आइसोलेशन जो जे अवाम के फैब्रिक के अना कमजोर कन्दून। बेनजी साहब जी तुम जिक्र पाया चवान पो तो शी वॉज वन हू ऑलवेज मेड द हाउस, ब्रेकिंग हाउस इज नॉट वॉज नेवर हर माइंड। पर अज जो जरदारी साहब जो उनमें मुनासिब गाल बलोचिस्तान की महरूमी के कें सुतों को अड़ी तवीम में वही यो मस्त नो एनएफपी अवार्ड मिलो ए बलोचिस्तान के अलग केतो रिसोर्स में हिस्सों मिलो। बलोचिस्तान का माफी वठण जो मतलब है तो बलोचिस्तान के उन दुखन से कुछ न कुछ पानी पवे, उनके लिए कुछ न कुछ कदार थे। एनएफसी वॉज अ ग्रेट स्टेप दैट वी टुक, सूबन के वधीक पैसा दिना व्या ए वफा के घट कयो व्यो। इनकी रंजिश है वफा के इन गाल जी रंजिश है तो सूबा वधीक पैसा छो था करन। समझी वियो सर, सूबा पैसा खणंदा पांजी चंगाई के लिए, पांजी बेहतरी के लिए। वफाक जैसे है तो वफाक होंद इस्लामाबाद में, इस्लाम में आए सेंट्रलाइज हुकूमत, उनको हमेशा यो तस्वुर रहो मरकज मजबूत थे, मरकज मजबूत असो मौकुफ़ ही हों तो मरकज मजबूत ही तरह जैसे सूबा मजबूत थियन।